তুই বর্ষা বিকেলের ঢেউ, তুই আমার কাছের কেউ, তুই চাদরে ওড়ানো রাত, তোকে দেখতে পেয়েছি হঠাৎ, দিয়েছে কি হাওয়া, হয়েছি উড়খই রয়েছি আমাতে আমি কই। নমস্তে দর্শক বন্ধু, Queen Simple Unique Recipes Cooking Secrets welcomes you. Check our playlist. Subscribe our YouTube channel. Press the bell icon for daily notifications. Like our videos. Share with your friends and family. Scroll down to write your queries, comments, reviews. Request us any recipes you want to. We are waiting to hear from you. ये है कलमी साग। आप लोगों को शायद पता है मैं आज ये डिश बनाऊंगी। ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, ताज़ा देख के लीजिएगा। बहुत नरम होता है और मैं इसमें सिर्फ सूखा लाल मिर्च दूंगी और कुछ नहीं दूंगी, नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो काट के धो के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? अभी दोपहर के 1 बजे हैं। आज मैं बनाऊंगी कलमी साग। तो आपको दिखा दिया सुबह मैंने कलमी साग कैसा होता है, मैंने अभी काट के धो के रखा। तो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग देखो हंसोगे सुन के। तो ये कलमी साग मैंने लिया 1 पाव। मैं टटका टटका ताज़ा ताज़ा बनाऊंगी, 2-3 जना ख़त्म कर दूंगी। फ्रिज में रखने से इसका मज़ा नहीं आता। तो इसमें थोड़ा नमक चाहिए, बहुत कम, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। और एक सूखा लाल मिर्च, बस इससे बन जाएगा। लहसुन कोई कोई शॉप में देते हैं, मैं नहीं देती। तो तेल गर्म हो गया, बहुत कम मैंने तेल दिया। अब इसको थोड़ा फ्राई करना है। बहुत कम दीजिएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आधा किलो भी बना सकते हो। ये मिर्ची तल गया अच्छी तरह से। इसको धीरे धीरे देख दीजिए, देखिएगा बहुत कम हो जाएगा। ये लोग पूरा में खाना बनाते रहो तो उन लोगों को तो मालूम है साग कितना कम हो जाता है। मैं ताज़ा ताज़ा खाऊंगी, इसलिए मैं आधा किलो लिया था। आधा पहले इसका पाव बनाऊंगी, ताज़ा ताज़ा बनाऊंगी, ताज़ा खाऊंगी, इसका स्वाद ही अलग है। और इसमें थोड़ी सी नमक दीजिए, बाद में टेस्ट करके दीजिएगा, क्योंकि कम हो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मैं इसको ढक दूंगी, बीच बीच में मैं चलाऊंगी, इसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। बीच में मैंने 2 बार साग को चलाया, देखिए कितना कम हो गया, कितना कम नमक दिया था। मैंने टेस्ट करके देखा नमक सही है। जो नए नए हैं बहुत सावधान है, इतना साग देखोगे तो आप सोचोगे ज़्यादा नमक दे दूँ। नहीं, ये आपको अगर नहीं आए कि कितना देना है तो आप बाद में दीजिएगा, क्योंकि कम जब हो जाएगा तब। ये बहुत नमक ज़्यादा हो जाता है हाँ शुरू में देने से। और 5 मिनट हुआ अभी, इसके अंदर ही हो गया। बहुत नरम साग होता है, क्योंकि ये ना मैंने सुना है पानी में होता है, पॉन्ड के आसपास होता है, इस समय में ये होता है। तो मैं साफ करके आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये कलमी साग बना लिया, इसमें कुछ भी नहीं दिया, आप लोगों ने वीडियो देखा, सिर्फ नमक और एक सूखा लाल मिर्ची। कोई कोई लोग लहसुन का कली इसमें छोंक देते हैं। बिना लहसुन के खा के देखिए, हर चीज़ का एक अलग अलग फ्लेवर है। मच्छी, हर अलग अलग मच्छी का अलग अलग फ्लेवर है। तो इसके लिए अगर लहसुन दोगे तो इसका फ्लेवर वो नहीं रहेगा। एक बार बिना लहसुन का खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, खा के देखिए बिना लहसुन का कैसा लगता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।